आपने कितने साल पहले प्रेजेंटेशन देखी थी? क्योंकि किरण जो बात कर रही है ये 2003 या 4 की बात कर रही है जब वो मेरे घर आई थी, यस सर, यानी आज से 16-17 साल पहले। तो यस सर, जी हाँ सर, जी हाँ जी, मैं बोलू सर? हाँ बोलिए रंजनी, बोलिए। नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सबको, नमस्कार सर। मैं आज से 12 साल पहले ग्लेज का प्रेजेंटेशन देखी थी। अच्छा। और इसमें सबसे पहला चीज जो था सर, वो था यहाँ का माहौल, क्योंकि ग्लेज की ऑफिस जो थी वो मेरे ही घर में खुली थी, तो मैं यहाँ के माहौल को देख पा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ का कल्चर। दूसरा, मेरे पिताजी जॉब करते थे तो मैं ये जानती थी जॉब पे लिमिट पैसा है। जब मैं प्रेजेंटेशन देखी तो वहाँ अनलिमिट पैसा यानी लेवरेज इनकम बताया गया, ये मुझे अच्छा लगा। तीसरा, मैं देखती थी अपने पिताजी को कि कोई एक सपना पूरा करने के लिए वो सालों इंतजार करते थे कि बेटा कोई बोनस मिलेगा ना तो ये सपना पूरा करेंगे, पर ग्लेज में बताया गया कि एक मंथ के इनकम से हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, 50-60 हजार वाला, ये मुझे अच्छा लगा। यानी पहला माहौल, दूसरा लेवरेज इनकम, और तीसरा अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ये तीन चीज मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं ज्वाइन की थी ग्लेज को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रंजनी, बहुत अच्छे। रंजनी, जब ग्लेज ज्वाइन किया तो आपका सपना था पैसा कमाना, यही कंक्लूजन है ना? जी सर, एक्चुअली क्या था सर, ग्लेज में आने से पहले मैं एयर होस्टेस का, मतलब मेरा सपना था मैं एयर होस्टेस बनूं। उसमें एग्जाम भी दी थी सर, पास भी कर गए थे, सब चीज हो गया था सर, इंटरव्यू वगैरह सारा फाइनल हो चुका था, लेकिन जब उसमें जाने की बारी आई सर तो 2.5 लाख रुपया बोला गया साथ में लेकर आना है। ये चीज मेरे घर वाले नहीं दे पाए, यानी 2.5 लाख रुपया बहुत बड़ी बात थी, ये हम पूरा नहीं कर पाए। तो मुझे लगा कि मैं कोई ऐसा काम करूं जहां से मैं बड़ा पैसा कमा सकूं, इसलिए में बड़ा सपना जब देखे तो मुझे लगा ये मेरे लिए प्लेटफॉर्म है जहां से मैं बड़ा पैसा कमा सकूं। जहां 6 महीने सर मैं रियल में ग्लेज में जो बताया गया वो पूरा भी हुआ, 6 महीने में 50 हजार तक आ गई थी सर। सर म्यूट है सर आपका। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहता है? उसने क्यों ज्वाइन किया? जी सर, जी आलोक, मजाज के कहानी के माध्यम से जो समझाई गई थी सर, उस दिन पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो गई थी। वहां का जो माहौल था वो मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि मैं गांव से गया था, लोग वहां पे रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे। जैसा किरण जी ने कहा कि सभी धर्मों के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी तरह के, सभी उम्र के लोग एक दूसरे के बड़े रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे थे, जी करके बात कर रहे थे। हम तो कह रहे हैं कि खाली अगर कोई मेरे को आलोक बोल दे तो उसके लिए जान कुर्बान कर दे, लोग तो सर जी आप करके बात कर रहे थे, गांव में लोग एकार मार के बोला करते थे। सबसे बढ़िया जो हमें सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो सर यहाँ का व्यवहार था। दूसरा सर, लेवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट, कि अगर अमीर बनना है, सपने पूरे करना है तो मात्र एक तरीका है और वो है लेवरेज इनकम। और सर उस दिन ये भी बताई गई थी कि बाहर की दुनिया में अगर आपको लेवरेज इनकम करना होगा तो आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, समय, तजुर्बा और पैसा। उसमें से बस थी और 2 चीज बिल्कुल नहीं था, और सिर्फ हमारे पास समय था, जो कि वहां पे बताया गया कि अगर आप इंतजाम भी पैसा कर लेते हैं तो चांस नहीं है कि आप वहां पे बड़ा पैसा लेवरेज इनकम कर पाएंगे। लेकिन अगर ग्लेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप कुछ चंद रुपए की लागत लगा कर करके आप जो कि जो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ये तो 15 साल पहले की बात थी सर। आज तो किसी के पास अगर पैसा ना भी है तो भी बिजनेस शुरू कर करके वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं और लेवरेज इनकम कर सकते हैं सर। तो ये 15 साल पहले की बात है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने काम करना शुरू किया था सर। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं गुरलाल सर। नमस्कार सर। बोलिए गोरेलाल सर। जी गोरेलाल जी के बाद नसीम आप बोलेंगे। जी गोरेलाल जी सर, मैं भी ग्लेज में आज लगभग 13 साल से कुछ प्लस महीने हो चुके हैं सर, जो कि बिहार में भागलपुर में मुझे भी इस काम को देखने और समझने का मौका मिला था सर, हमारे अप्लायंट मिस्टर सीताराम सर के साथ। सर
मैं इस कंपनी में आने से पहले ऑलरेडी सर फौज की तैयारी कर रहा था और मेरा सोच था सर कि मैं जॉब करूं, लेकिन उसी बीच सर मेरे अप्लायंस ने इस बिजनेस के बारे में बताया। हमने सर बहुत मुश्किल से 10,000 उस वक्त पैसा इकट्ठा किया था सर, और मात्र 2 दिन में सर, और उस पैसे को इकट्ठा करके भागलपुर सर लेकर के मैं गया था ट्रेन से सर। और जब वहां पे गया सर तो हमारे अप्लायंस ने हमें रिसीव करने के लिए आए, और साथ ही साथ उनके अप्लायंस मिस्टर महेश सर भी आए थे सर। जब उन्होंने अपने कमरे पे लेके गए तो वहां पे बड़े सारे लोग थे सर, लगभग 15 से 20 लोग। उन लोगों ने सर हमारे साथ बड़ा एक्साइटेड के साथ सर मिले और बोले मेरा नाम ये है और हमारा यहाँ पे घर है। सभी लोग इस तरह से मिलना शुरू किए, हाथ मिला के सर। मुझे सबसे पहले बिजनेस को देखने से पहले सर वहाँ पे जो लोगों की व्यवहार और लोगों की मिलने का जो तरीका था सर, मुझे बहुत पसंद आया और मुझे लगा कि कोई भी काम हो मैं तो काम करूंगा ही। बिना काम को देखे सर वहाँ के माहौल से मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। दूसरी बात सर, जब मैं प्रेजेंटेशन देखने के लिए गया तो वहां पे बड़े सारे लोग टाई लगा के बैठे थे, कोई खड़े थे, और जब उनको मैं देखा सर तो उनकी टाई और ड्रेस कोड को देखकर ना बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ सर। मुझे मन ही मन चल रहा था, हे भगवान किसी तरह से मेरी काम हो जाए तो शायद मैं भी टाई बेल्ट लगा के इस काम को करने आऊंगा। सर ये चीजें है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं प्रेजेंटेशन देखा, देखने के बाद सर उस वक्त प्रेजेंटेशन ना टीवी पे चलता था सर भागलपुर में, और आपकी प्रेजेंटेशन चलता था सर और टीवी पे। अच्छा। और मैं आपकी प्रेजेंटेशन को देख करके सर, मुझे पूरी प्रेजेंटेशन देखने के बाद एक चीज समझ में आया कि 25 पैसे से 1 रुपया कैसे तब्दील होता है, यानी कैसे ग्रोथ करता है। एक पॉइंट में मैं बता रहा हूँ सर। उसके बाद सर शेयरिंग होता था। जब शेयरिंग में वहां पे बड़े सारे हमारे सीनियर अप्लायंस आए, जैसे मैं जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर थे, राजू सर थे, सुभद्रा दीदी थी, संजीत पासवान सर थे, इस तरह से सर बड़े सारे सीनियर आए। और जब शेयरिंग करना शुरू किए, अपने बारे में बताना शुरू किए कि मेरा नाम सुभद्रा देवी है और मैं इस कंपनी में आने से पहले सब्जी बेचने का काम करती थी, यानी सर सारी शेयरिंग को सुना। और जो पैसा अमाउंट बताया ना कि मेरी पिछले महीने का अमाउंट 54,000 है, तो सर मेरे मन ही मन लग रहा था भगवान कम से कम 30,000 तक तो हम जरूर पहुंच सकते हैं। जब सुभद्रा दीदी 54,000 पहुंचा सकती है तो मन ही मन लगता था भगवान 30,000 तक मुझे जरूर पहुंचा देना इस कंपनी में। क्योंकि सर उस वक्त जॉब की जो मैं तैयारी कर रहा था तो 8,000 मात्र पेमेंट था सर उस फौज की जॉब में। तो जब मैं सर सुना तो बहुत मोटिवेट, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ सर। जब बाहर निकला तो वहां पर देखे कि बड़े सारे लोग हमसे बोलते हाथ मिला के, और भाई बताओ बिजनेस देख करके कैसा लगा आपको सर। इतनी एनर्जी में मिला ना लोग हमें कि मैं मतलब बोल नहीं पा रहा था कि क्या बोलूं इनको मैं, मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा था। जब मैं सर हमारी फिर उस वक्त क्लोजिंग हुई सर, क्लोजिंग हमारे संजीव पासवान सर किए, GIG बोला जाता था सर उस वक्त, GIG 1:1। आधा घंटा फिर उन्होंने समझाए लेवरेज इनकम क्या होता है, लीनियर इनकम क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, नौकरी क्या होता है, सारा चीज समझाए। उसके बाद बोले कि इतना होने के बाद भी इतनी आसान नहीं है कि काम हो जाएगी, जब तक आप 10 दिन ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक आपका काम होने वाला नहीं है, अभी 50% ही काम हुआ आपका। सर मेरे को लगा कि जब यहाँ तक पास किया हूं तो 10 दिन और पास करना है। 10 दिन सर मैं बता दूं कि दिन और रात सर ट्रेनिंग को याद करता था, इस बात को सोच के कि मुझे इस काम में बिल्कुल 100% पास करना है और मुझे यही काम करना है। और 10 दिन सर रात में भी ट्रेनिंग लेता था सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया गोरिल्ला जी। देखिए मैं अभी आप जो बाकी लोग भी हैं अगर कोई प्रश्न पूछते तो हमको थोड़ा छोटा करके चलना, नहीं तो ट्रेनिंग बहुत लंबी हो जाएगी। पर मैं आप सबके व्यूज लेना चाहता हूँ, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ, पर मैं थोड़ा सा जल्दी, गोरिल्ला जी आई लव यू, क्योंकि आपने इमोशनल होके बहुत अच्छी बात करी, पर हमें थोड़ा छोटा करना है, ठीक है। तो अभी नसीम अख्तर ने भी हाथ खड़ा किया था, मैं चाह रहा हूँ कि अब वो कुछ बताए। हाँ जी नसीम जी बताइए। जी सर, आपने क्यों ज्वाइन किया था? जी सर, सबसे पहले आदाब एंड सलाम सभी को। और सर मैंने इस उम्मीद से गेलवे बिजनेस को शुरू किया था क्योंकि मैं गेलवे बिजनेस में आने से पहले एक स्टूडेंट लाइफ पढ़ाई करता था,
मदरसे लाइन से, और उसके बाद मेरे पिताजी किसान थे, और मुझे लगा कि मैं अपने घर की हालात को अगर बदल सकता हूँ तो मुझे कोई ना कोई ऐसा रास्ता और प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से पैसे कमाकर अपने हालात को बदल सकूं। और उसी बीच में पढ़ाई करके नौकरी की तलाश में बहुत सारी जगह भटक रहा था, बट इन शॉर्ट रेलवे बिजनेस में आने का मौका मिला। आकर मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैं वापस चला गया था, बट मेरे अपलाइन की फॉलोअप और मदद और रिस्पेक्ट की पावर फिर दोबारा में आया और फिर से बिजनेस को शुरू किया। और शुरू करने के बाद पहली चीज जो मुझे अच्छा लगा कि मैं जाने के बाद भी वो मुझे मेरा पीछा छोड़े नहीं, मुझे बताते रहे, मुझे बात करते रहे, मुझे फॉलोअप में रखते रहे और मुझे बताते रहे, नसीम तू घबरा मत, तू काम नहीं करना, बट हमारी दोस्ती पक्की रहेगी। हमें वो लगातार संपर्क में रखे और मुझे ये चीज लगा कि यार इस बंदे को अपनी फिक्र नहीं मेरी फिक्र है, तभी तो आदमी मेरे से बात कर रहा है। तो सबसे पहली चीज मुझे अच्छी लगी। दूसरी चीज, बिजनेस में आने के बाद प्रेजेंटेशन देखा था दोबारा से, तो दिन में अच्छे से समझने के लिए से काम शुरू किया था, यानी अब मुझे करना है। पहले तो सिर्फ देखने के लिए नहीं से आया, तो जो लोग ने फिर दोबारा लेके आया, फिर जब दोबारा अच्छे से समझने के लिए से समझने की कोशिश किया तो बहुत सारे लोग शेयरिंग कर रहे थे, बता रहे थे कि मैं किसान हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं पैसे कमा रहा हूँ। मुझे लगा यार हमारे बीच का इंसान, हमारी तरह इंसान अगर यहाँ पर पैसे कमा रहा है तो मैं चल लगा, और मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। तीसरी चीज मुझे जो सर अच्छा लगा यहाँ पर वो था ग्लेज का सिस्टम। सब लोग एक दूसरे रहे थे और बता रहे थे कि आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ हैं, हम आपको सिखाएंगे बताएंगे आगे लेके चलेंगे। ये चीजें अच्छा लगा। और साथ ही साथ मुझे लगा अगर सबसे खास बात मुझे लगा सर कि पैसा कमाना है तो पैसे के साथ आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन ये नसीम भाई वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका, वीडियो बंद करके बोलेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा नसीम भाई जी। लास्ट बात जो मुझे अच्छी लगी सर, जी सर, सबसे पहला मुझे अच्छा लगा सर सपोर्ट सिस्टम, दूसरा अच्छा लगा सर एग्जांपल, और तीसरा सबसे अच्छा मुझे यहाँ पर लगा सर वो था कि बगैर बड़ा इन्वेस्ट किए आपके पास बहुत सारी काबिलियत नहीं भी है तो भी गेलवे बिजनेस में आप बहुत बड़ी इतिहास लिख सकते। इन चीजों की वजह से मैंने गेलवे बिजनेस शुरू किया था सर, और जिसकी वजह से आज गेलवे में यहाँ तक पहुंचा। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया नसीम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, अब मैं बाद में क्वेश्चन लूंगा, पहले मैं अपने जो बाकी नए लोग हैं उनको समझाना चाहता हूँ कि मैंने ये सेशन क्यों चलाया 10-15 मिनट के लिए। सबसे पहले आपने जितने भी लोग हैं अपना पेन पेपर जरूर रेडी रखिया करिए, जब आप आपकी जो अपलाइन है वो जो बोल रही है उनको जरूर सुनिए। मेरा सवाल था कि जब आप गैलवे में पहली बार आए आपके सपने क्या थे और आपने गैलवे को क्यों ज्वाइन किया था, तो आप सबने क्या नोटिस किया कि इन सब ने बिजनेस प्रेजेंटेशन में क्या देखा और उसके बाद फैसला ले लिया, तो वो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं इन सब इनके जवाबों से सुन के। किसी ने बोला, बैजनाथ जी ने बोला मैं पैसा कमाना चाहता था, ये मेरा सपना था। मोदी जी ने बोला मैं पैसा कमाना चाहता था लेकिन जब प्रेजेंटेशन में लेवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट बताया गया मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत माहौल अच्छा लगा, बहुत आदर, बहुत इज्जत, बहुत ऊर्जा, बहुत पॉजिटिव लोग थे। किरण ने बोला कि मैं जब ऑफिस में गई और इतने सारे लोग काम करते देखा तो मुझे पता चला मतलब ये इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, पहली बार एसी ऑफिस में गई थी, वहां का माहौल अच्छा लगा इसलिए ज्वाइन किया। और एक बात उन्होंने बोली थी, वो मेरे घर आई थी, उसको सारे भगवान का उधर फोटो दिखाई दिया, सर्व धर्म में हम बिलीव करते हैं। रंजनी ने बोला मुझे माहौल बहुत अच्छा लगा, मेरे घर पर ही गैलवे का ऑफिस खुला हुआ था तो वहां का माहौल, रिस्पेक्ट, इज्जत, लेवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट। आलोक ने भी राम बजाज लेवरेज इनकम इसके बारे में बात की, माहौल की बात की। गोरीलाल जी फौज की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने भी यही बात करी। नसीम ने भी ऑलमोस्ट वही बात करी। यानी कि पहला सवाल अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, क्या देख के ज्वाइन करते हैं, इनमें से किसी ने ये नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला, और आप में से भी बहुत कोई बिरला होगा, कोई एक आधा जो कहे कि मैंने गैलवे का पूरा बिजनेस प्लान समझा था और प्लान ए टू जेड
ऊपर से नीचे तक समझा था, घंटों प्लान पे लगाए थे, तब जाके मैं पॉजिटिव हुआ। जब आप पहली बार प्रेजेंटेशन देखने आए थे, मैं आपको बताता हूँ हम क्या देखते हैं, मैं अपनी बात भी बताता हूँ, ऑलमोस्ट मेरी भी यही स्टोरी है। पहली बात मैंने उसको देखा था जो मुझे बिजनेस प्लान दिखाने ले गया था, जो कि मेरा दोस्त था जिसपे मैं विश्वास करता था। दूसरी बार जब मैं वहां गया तो मैंने वहां पे उदाहरण देखे, मैंने देखा कुछ लोग शेयरिंग कर रहे हैं जो 50,000 का चेक, 1,00,000 का चेक, 2,00,000 का चेक, 5,00,000 का चेक की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कमाया। मेरे मन में शंका थी कि ये जो लोग सामने खड़े होके बोल रहे हैं मैंने 50,000 कमाया, 1,00,000 कमाया, 2,00,000 कमाया, क्या ये सच्चे हैं या अभी खड़े कर दिए हैं? तो उसके लिए मेरे को शंकाएं थी, डाउट थे। लेकिन मैं जब देखता था मैं किसके साथ आया हूं, तो मुझे लगता था यार ये भी तो आया है, झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। तो ऐसे एक द्वंद था मेरे मन में जब मैं पहली बार प्लान देखने गया था। मैंने वहां देखा कि इतने सारे लोग हैं, मैंने देखा मेरे मोहल्ले के लोग हैं, मेरे शहर के लोग हैं जो खड़े हैं, जिन्हें मैं कुछ को पहचानता था। और जब मैं उनसे जाके पूछता था तो मेरे ये सवाल थे यार ये वाकई में होता है 50,000 का चेक आता है, 1,00,000 का चेक आता है, 2,00,000 का चेक आता है? तो कहते थे हाँ आता है भाई। मेरे को भी लेवरेज कॉन्सेप्ट समझ में आया था, क्योंकि लॉजिक चाहिए कि 1,00,000 रुपए का चेक कैसे आ सकता है, जब इतने सारे लोग मेरे लिए काम करेंगे तो आ सकता है। पहले दिन में बिजनेस प्लान को डेप्थ में जाके समझना इम्पॉसिबल होता है, मैंने भी नहीं समझा था। उस प्रेजेंटेशन में जब मैंने पहली बार देखी थी मैंने यही सब अंदाजे लगाए थे। मैंने लोगों के चेक देखे थे, मैंने लोगों के कपड़े देखे थे, लोगों के बात करने के तरीके देखे थे, लोगों का जोश देखा था, उनके चेहरे में चमक देखी थी, उनकी ऊर्जा देखी थी, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड देखा था, उनकी एक्साइटमेंट देखी थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी। और मेरी शंकाओं और उनके प्रेजेंटेशन में जो भी वो एविडेंस रख रहे थे उसका एक द्वंद चल रहा था। और आखिरी में उनके वीडियो देखे, उनकी मैगजीन देखी, उनकी फाइलें देखी, तो मैंने एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया कि यार चल करके देख लेते हैं, क्या पता मेरा भी हो जाए। जैसे भी गोरेलाल जी कह रहे थे मेरे 50 की जगह 30,000 का चेक आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा। जब गोरेलाल जी ने बोला कि अगर सुभद्रा देवी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसे ही मैंने भी सोचा। मेरी जो अपलाइन का बड़ा भाई था उसका 2,50,000 का चेक उस जमाने में था, जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे लगा यार इसका आ सकता तो मेरा नहीं आ सकता, मैं तो फिजिक्स ऑनर्स। क्या अगर आपको लगता है आपने भी यही सोच के ज्वाइन किया था जैसी ऑलमोस्ट मेरी स्टोरी है, तो प्लीज अपना हाथ खड़ा करें। आप सबके पास एक बटन भी है हाथ खड़ा करने का, वो दबाएंगे तो उससे पता चलता है कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं। तो ये मैं आपको शुरुआत मैंने इसलिए करी, पहले आप समझिए कि जो बिजनेस प्रेजेंटेशन आप तैयार कर रहे हैं उसका कंटेंट महत्वपूर्ण होता है, उसमें क्या लिखा है महत्वपूर्ण होता है, उसमें आप क्या कहने वाले हैं, किस तरह से कहने वाले, वो सब महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कुछ और महत्वपूर्ण है। लोग प्रेजेंटेशन से पहले आपकी तरफ देखते हैं। अगर मुझसे पूछें कि बिजनेस प्रेजेंटेशन में लोग ज्वाइन क्यों करते हैं, तो विश्वास, एक शब्द समझ लीजिए फेथ, उस दिन एक फेथ प्रेजेंटेशन दिखाता है, एक फेथ प्रेजेंटेशन अटेंड करता है और एक फेथ ही आपको ज्वाइन कर जाता है। विश्वास उस दिन प्रेजेंटेशन लेता है, विश्वास ही प्रेजेंटेशन देता है और विश्वास ही उस दिन ज्वाइन करता है। और इस बिजनेस के लिए जो सबसे इसेंशियल तीन चार चीजें हैं वो आपको समझनी पड़े। आप देखिए ज्यादातर लोगों ने कॉमन बात बोली है कि मैंने माहौल देखकर ज्वाइन किया। अब ये जो वर्ड माहौल है ये है क्या? ये माहौल है पॉजिटिव एटीट्यूड,